पहले के अखबार ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होते थे। समय और विकास के साथ साथ अब अखबारों में आकर्षक विज्ञापन, कुछ रंगीन फोटो भी आने लगी है। इन चीज़ों की वजह से आप अखबार के कुछ हिस्सों पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन अखबारों में चार रंगीन बिंदियाँ होती है। कई बार इनकी आकृतियाँ कुछ अलग होती है। इन बिंदियों को अखबारों में क्यों दिया जाता है, अगर आप ये नहीं जानते तो ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ऐसे फैक्ट जानने का शौक है जो आपको अमेज कर दे तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल अमेज फैक्ट्स को और बेल बटन को प्रेस करिए ताकि आने वाले अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसे हम पढ़ते आए हैं कि मुख्य तीन रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला, इसी प्रकार से यही पैटर्न प्रिंटर में भी उपयोग किया जाता है। तब इसमें एक और रंग काला जुड़ जाता है। ये चार बिंदियाँ CMY के क्रम में होती है। यहाँ C का मतलब होता है सियान, M का मतलब होता है मैग्नेटा, Y का मतलब होता है येल्लो और K का मतलब होता है ब्लैक, यानी काला होता है। इन चार रंगों के सही अनुपात को जोड़कर किसी भी रंग को प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर एक इमेज प्रिंट करना हो तो इन सभी रंगों की प्लेट एक पेज पे अलग अलग रख दी जाती है और छपाई करते समय ये सारी प्लेट एक ही लाइन में होती है। अगर अखबार में तस्वीर धुंधली होती है तो इसका मतलब ये होता है कि छपाई करते समय रंगों की प्लेट ओवरलैप हो गई है। दोस्तों, हर रोज़ लाखों अखबार प्रिंट होते हैं तो फिजिकल रूप से सारे अखबारों को जाँच करना असंभव होता है, लेकिन प्रिंटर के लिए जो वर्षों से ये काम करता आ रहा है वह जानता है कि CMYK कैसा होता है, यानी ये चार कलर एक क्रम में कैसे होते हैं। यदि अखबार के पेज में कुछ भी गलत होता है तो प्रिंटर इन चारों बिंदियों की मदद से वह पेज ढूंढ लेता है, इसलिए चार बिंदियाँ अखबार के पेज में प्रिंट की जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।